हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाई नून कपल को जेल भेजने में कामयाब हो जाती है, जो उसके मॉल में हंगामा कर रहे थे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हाइन के लिए तालियां बजाई थी, क्योंकि हाइन ने उन कपल को अच्छा सबक सिखाया था। वहीं दूसरी तरफ हाइन के डैड एक आदमी के साथ बैठे हुए होते हैं, जिसका नाम चुनसिक होता है। चुनसिक हाइन के डैड को गाँव के एक आदमी जिसका नाम पार्क शोक-हुन था, उसके बारे में उन्हें बताता है। पार्क शोक-हुन यूथ एसोसिएशन का हेड होता है। चुनसिक उन्हें बताते हुए कहता है कि वो आदमी ये कहता हुआ फिर रहा है कि गांव के जो फोरमैन है वो युंगदु के पेयर को लोकल स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई भविष्य नहीं है और अब से लोग जो भी एप्पल खाना चाहेंगे वो है युंगदु का एप्पल। ये सुनकर डोगवान को गुस्सा आने लगता है। वो चुनसिक को बेवकूफ़ कहते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी पेयर का मुकाबला एप्पल से नहीं हो सकता। वो आगे कहते हैं कि जब भी कभी मेमोरियल फंक्शन होता है तो उस फंक्शन पर पेयर रखे जाते हैं, ना कि एप्पल रखे जाते हैं। डूगवान को लग रहा था कि पार्क शोक-हुन वो उनके पेयर को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनसिक उन्हें कहता है कि लगता है शायद पार्क शोक-हुन वो आने वाले चुनाव में ऐसे पैतरे आजमा रहा है ताकि वो चुनाव में जीत सके। वो आगे उन्हें बताता है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में अपने लंच का प्राइस आधा कर दिया है और गाँव के सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। डूगवान को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो उससे कहते हैं कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। डूगवान खड़ा होकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो पार्क शोक-हुन से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि पार्क शोक-हुन के रेस्टोरेंट में बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है और लोग मजे कर रहे हैं। वहां पार्क शोक-हुन भी मौजूद था। डूगवान को उसको देखकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पार्क शोक-हुन ने उसके सारे कस्टमर छीन लिए थे। पार्क शोक-हुन आने वाले चुनाव में वोट पाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके बाद डूगवान चुनसिक से सबूत इकट्ठा करने के लिए कहते हैं ताकि वो फोटो खींचकर उनको चुनाव ऑफिस में दिखा सके और वहाँ पार्क शोक-हुन की शिकायत कर सके। चुनसिक जैसे ही वीडियो बनाने वाला होता है तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर वो डूगवान को पास आने के लिए कहता है। डूगवान भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका दामाद उस रेस्टोरेंट में आकर मजे कर रहा है। उसको देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद होता है जब घर आता है तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और साथ में डूगवान भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। हिंताई को भी अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। म्यूसोन तभी खड़ी उठ जाती है और वो अपने पापा को दिलासा देने लगती है कि वो गांव के लोगों को संभाल देगी। वो उन्हें बताते हुए कहती है कि मेरे सलून में जो भी बातें होती है वो 90% लोगों तक जाती है। और वो पार्क शोक-हुन की बातें बताती है कि वो गाँव में स्कूल से चीज़ें चुराया करता था और इसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि जो बचपन में चीज़ें चुरा सकता है वो आने वाले वक्त में कुछ भी चुरा सकता है। इसके बाद म्यूसोन अपनी दुकान में बैठी हुई होती है और वो फ़ोन पर कुछ टाइपिंग कर रही होती है। तभी उस इलाके की औरतें वहाँ आ जाती है। वो म्यूसोन से कहने लगती हैं कि तुम्हारे पापा और पार्क शोक-हुन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। म्यूसोन उनसे कहती है कि वो आ जाएगी। वो औरतें आगे कहती है कि तुम्हारे पापा को और लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाइन के डैड के साथ बहुत कम लोग बचे हुए हैं। म्यूसोन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि पार्क शोक-हुन वो लोगों को भाषण दे रहा होता है और वहाँ म्यूसोन के डैड भी पहुँच जाते हैं। वो हॉल के बाहर से ही उसका भाषण सुन रहे होते हैं। वो बाहर से देखते हैं कि लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर पार्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद म्यूसोन के डैड की बारी आती है भाषण देने की और वो वहाँ मौजूद लोगों को भाषण देने लगते हैं और वो कोरिया के पेयर के बारे में बताने लगते हैं और उसकी विशेषता बताने लगते हैं। फिर वहाँ मौजूद आदमी उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो नोजू और सोजू के पेड़ को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। ये सुनकर म्यूसोन के डैड चुप हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक लेडी खड़ी उठती है और वो कहने लगती है अगर ऐसा होता तो हमारे गाँव के पेयर इनकी बहू के डिपार्टमेंट स्टोर में बिक रहे होते। म्यूसोन के डैड कुछ नहीं कह पाते, वो बस लोगों को देख रहे होते। बगल में बैठा हुआ मिस्टर पार्क वो बहुत खुश हो रहा होता है। डूगवान उन लोगों से कहने लगते हैं कि आपको ये बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। मिस्टर पार्क उनसे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आपकी बहू यहाँ क्यों नहीं आती। वहाँ मौजूद म्यूसोन भी ये सुनकर कुछ नहीं कह पाती। तभी जिस हॉल में वो मौजूद होते हैं वहाँ की खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं। लोगों को लग रहा होता है कि शायद भूकंप आ चुका है। तभी म्यूसोन की नज़र बाहर पड़ती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ आ चुकी है। लोगों की नज़र भी बाहर पड़ती है। लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ कौन आया है। म्यूसोन और उसके हस्बैंड ये समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर हाइन आई है और दिखता है कि हाइन अपनी गाड़ी से उतरती है और उस हॉल में पहुंच जाती है। हाइन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
म्यूशियन के रेड को ये यकीन नहीं होता कि हाइन उनके सामने खड़ी है। हाइन फिर मंच पर जाकर अपने ससुर से माफ़ी मांगती है। वो लोगों से बात करते हुए कहती है कि वो यहाँ गाँव को पार्टी देने के लिए आई है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। म्यूशियन के हस्बैंड को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हाइन यहाँ कैसे पहुँची। फिर म्यूशियन अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने हाइन को यहाँ आने के लिए मैसेज किया था। और दिखता है कि म्यूशियन जब अपने शॉप पर मौजूद थी उस वक्त वो हाइन को मैसेज कर रही थी, और मैसेज में उसने हाइन को लिखा था कि उसे मदद की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके पापा इलेक्शन में खड़े हैं, और अगर हाइन ने इस वक्त उसकी मदद नहीं की तो उसके पापा इलेक्शन में हार जाएंगे। और जब म्यूशियन ने ये मैसेज किया था हाइन को, उस वक्त हाइन अपनी कंपनी में मौजूद थी और उसने वो मैसेज पढ़ लिया था। म्यूशियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हाइन उसके सामने खड़ी है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ अंदर हाइन के स्टाफ आ जाते हैं। वो लोगों के लिए कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। इसके बाद म्यूशियन और उसका हस्बैंड अपने फादर के नारे लगाने लगते हैं, और उनके साथ सभी लोग उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ बहुत बड़ी पार्टी होती है और सभी लोगों को अच्छा खाना दिया जाता है। वहाँ सभी लोग मजे करते हैं। वहाँ म्यूशियन की माँ वो हिनवू को मैसेज करना चाह रही थी। वो ये बताना चाह रही थी कि हाइन यहाँ आई है। तभी हिनवू का कॉल उन्हें आ जाता है। इसके बाद वो कॉल पर हिनवू को ये बात बता देती है कि हाइन उनके घर आई है। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो अपने ऑफिस से वहाँ आने के लिए निकल जाता है। वहीं दिखता है कि हाइन अपने पुराने कमरे में चली जाती है जहाँ हिनवू से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। हाइन को वो रूम बहुत पसंद आता है। हाइन को उस कमरे में पुरानी फ़ोटोज़ और किताबें नज़र आती हैं। इसके बाद हाइन वहाँ एक ड्रॉअर खोलती है, उसके अंदर उसे एक आईपॉड नज़र आता है। फिर हाइन उस आईपॉड को निकालकर उसमें गाने सुनने लगती है। इसके बाद वहाँ हाइन से मिलने के लिए म्यूशियन का बेटा आता है। वो हाइन से अपना इंट्रोडक्शन करता है और वो हाइन के बारे में भी जान लेता है। फिर वो हाइन से रिक्वेस्ट करने लगता है गाड़ी में एक राइड करने के लिए। फिर हाइन उसे अपनी गाड़ी के पास ले आती है और अपने ड्राइवर से उस बच्चे को घुमाने के लिए कहती है। फिर म्यूशियन का बेटा उस कार में घूमने के लिए निकल जाता है। वहाँ खड़ी हाइन उसका आईपॉड तभी नीचे गिर जाता है। हाइन जैसे ही उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है तभी हाइन को फिर से इल्यूजन होने लगता है। हाइन को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो कीचड़ में मौजूद हो और चारों तरफ मौसम खराब हो। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो नीचे डल जाती है और फिर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि वहाँ पार्टी चल रही है। फिर वो अपने डैड से जाकर मिलता है। वो देखता है कि उसके डैड बहुत खुश हैं। वहाँ मौजूद लोग हिनवू के लिए ताले बजाते हैं। हिनवू अपने डैड से हाइन के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है। वो हिनवू को बताते हैं कि हाइन घर पर है। तभी हिनताई उनसे कहता है कि वो घर पर देख के आया, हाइन वहाँ नहीं है। ये सुनकर हिनवू घबरा जाता है। वो हाइन को फ़ोन मिलाने लगता है लेकिन हाइन अपना फ़ोन नहीं उठाती। हिनवू फिर गाड़ी से हाइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसके सामने हाइन की दूसरी कार नज़र आती है। हिनवू गाड़ी से निकलकर वहाँ मौजूद ड्राइवर से हाइन के बारे में पूछने लगता है। वो ड्राइवर हिनवू को बताता है कि हाइन मैडम ने इस बच्चे को घुमाने के लिए कहा था, और उस ड्राइवर को भी हाइन के बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ है। हिनवू और घबरा जाता है। फिर वो हाइन को जैसे ही दोबारा फ़ोन मिलाने लगता है तभी वो ज़मीन पर पड़े हुए आईपॉड को देखता है। हिनवू समझ जाता है कि हाइन जरूर यहाँ आसपास ही होगी। इसके बाद हिनवू साइकिल से हाइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो हाइन को आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन हाइन उसे कहीं नहीं मिलती। हिनवू हाइन को ढूंढते हुए काफ़ी दूर चले जाता है। फिर हिनवू अपने खेतों में निकल जाता है। वहाँ भी उसे हाइन नजर नहीं आती। वहीं दिखता है कि हाइन उस सुनसान सड़क पर चल रही होती है। हाइन को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तभी हाइन को हिनवू नज़र आता है जो कि साइकिल चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हिनवू साइकिल से नीचे उतर जाता है और वो हाइन की तरफ गुस्से से आने लगता है। हाइन बस उसे देख रही होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। हाइन इमोशनल होने लगती है। वो फिर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाइन गुस्से से उससे पूछने लगती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो कहता है कि माँ ने बताया था कि तुम यहाँ हो। वो हाइन से कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और वो हाइन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि हाइन अपना फ़ोन नहीं उठा दी थी। वो फिर पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। वो कहती है कि वो सिर्फ यहाँ वॉक करने आई थी। वो हाइन को बताता है कि उसे बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहती है मुझे बीमार मत समझो। हिनवू उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ आसपास लगी लाइटें ऑन हो जाती है। हाइन उससे कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे आई। हिनवू ये सुनकर रुक जाता है। फिर वो हाइन की तरफ मुड़ जाता है। हाइन उसे बताती है कि वो घर के सामने थी
लेकिन जब उसे होश आया तो वो यहाँ मौजूद थी। हिनवू हाइन के कपड़ों को देखने लगता है जो कि मिट्टी से गंदे हो चुके थे। फिर हाइन रोने लगती है। फिर हिनवू हाइन के पास जाकर उसे गले लगा देता है। इसके बाद हिनवू हाइन को साइकिल में बिठाकर एक पेड़ के नीचे ले आता है क्योंकि वहाँ तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हिनवू हाइन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आई। फिर हाइन उसे म्यूसॉन के बारे में बताती है कि किस तरह से म्यूसॉन ने मैसेज किया था और हाइन को वहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। हाइन उससे कहती है कि मिस्टर पार्क अपने वोटर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। तभी दिखता है कि हिनवू की फैमिली वो हाइन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। हाइन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हिनवू की फैमिली उसकी कितनी फिक्र करती है और उन्हें वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं। वहाँ मौजूद म्यूसॉन वो हाइन से पूछने लगती है कि तुम वहाँ क्यों गई थी। हाइन जैसे ही कुछ कहना चाह रही होती है तभी हिनवू और वो सभी को सोने के लिए कहता है। इसके बाद हिनवू की फैमिली उनका दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले आते हैं। हाइन को अपने बाल बहुत गीले नज़र आते हैं। वो हिनवू से हेयर ड्रायर मांगती है। हिनवू वहाँ पड़ा अपना पुराना हेयर ड्रायर निकालता है। वो हेयर ड्रायर काम नहीं कर रहा होता है। हिनवू हाइन से कहता है कि उस तार को घुमाकर यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये हेयर ड्रायर चलेगा। हाइन से नहीं हो पा रहा था। फिर वो हाइन से वो हेयर ड्रायर लेकर उस तार को मोड़कर हाइन के बालों पर उस हेयर ड्रायर को चलाता है। वो हाइन को एक टक देखने लगता है। हाइन भी उसे एक टक देख रही होती है। हाइन उस मशीन को बंद करने के लिए कहती है। हिनवू उस मशीन को बंद कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे से नज़रें हटा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सुचौल वो अपने टैबलेट पर एक वीडियो देखता है। उस वीडियो को देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वो उस वीडियो को अपनी माँ को दिखाता है। वो वीडियो हेन की थी जो अपने ससुराल में बहुत मजे कर रही थी। हाइन की माँ को ये देखकर जलन हो रही होती है कि हाइन अपने ससुराल में बहुत मजे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू के माँ बाप को ये लग रहा था कि हाइन और उनके बीच सब कुछ ठीक है। हिनवू की माँ अपने दामाद से पूछती है कि उसने डिवोर्स के बारे में तो किसी को बताया तो नहीं। वो कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया। तभी हाइन की माँ अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड से यही सवाल पूछती है। उसके हस्बैंड हाँ में जवाब देते हैं। फिर वो पूछती है तुमने किसको बताया। वो कहते हैं कि जब वो पीने बैठे थे तब उन्होंने यंगसंग को बताया था। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने डैड पर गुस्सा करने लगते हैं। डूगान उन्हें बताता है कि पूरा गाँव उन्हें साइकेटिस्ट मानता है, इसलिए उन्होंने इस बात को शेयर किया। उनका दामाद उसके बारे में बताता है कि वो असल में साइकेट्रिस्ट नहीं है। इसके बाद आधे रात को डोगवान वो यंग संग के पास चले आते हैं ये पता करने के लिए कि यंग संग ने कहीं किसी को बताया तो नहीं। वहाँ जाकर वो यंग संग से यही सवाल करने लगते हैं कि उन्होंने हिनवू और हाइन के डिवोर्स के बारे में किसी को बताया तो नहीं। यंग संग उन्हें बताता है कि उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी माँ को छोड़कर। ये सुनकर डोगवान हैरान हो जाता है। यंग संग की माँ को भूलने की बीमारी थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। वहीं दूसरे तो दिखता है कि हिनवू वो हाइन के पैर पर बैंडेज लगाने देता है क्योंकि हाइन को गिरते हुए चोट लगी थी। इसके बाद वो हाइन के हाथों पर दवाई लगाता है। दवाई लगाते हुए वो हाइन के करीब आने लगता है और हाइन भी उसके करीब आने लगती है। फिर वो हाइन को जैसे ही किस करने वाला होता है तभी हाइन अपनी आँखें बंद कर देती है। तभी हिनवू बिना कुछ बताए हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। हिनवू वहाँ से तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो गुस्से पूछने लगता है कि क्या वो अब भी हाइन को पसंद करता है। उसे अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी वो हाइन के बारे में सोचने लगता है कि हाइन उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर वो जैसे ही वापस जाने लगता है तभी वो खुद को रोक देता है और खुद से कहने लगता है कि हाइन क्या सोचेगी उसके बारे में और वो हाइन को क्या जवाब देगा कि वो कैसे चला गया बिना बताए। और वो अगर वो फिर से कमरे के अंदर जाता है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। फिर हिनवू वहाँ से भाग जाता है। वहीं कमरे में हाइन ये सोच रही होती है कि हिनवू अचानक कैसे चला गया और क्यों चला गया। उसे लग रहा होता है कि हिनवू को शायद कुछ काम पड़ा होगा, लेकिन तभी वो घड़ी में देखती है कि घड़ी में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।